हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण और इसके 50 सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्प पहुंचाने वाला है और प्रैक्टिस सेट 1 है। तो चलिए बिना देर के आगे बढ़ेंगे और एक नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो कब किया गया था, इसका राइट आंसर आपको बतलाने हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, चलिए बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी 14 सितंबर 1949 को। चलिए यहाँ पे हम लोग दो नंबर सवाल देखते हैं। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, एक यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है, चलिए बताइए। तो 343 अनुच्छेद में ये बात बोला गया है। चलिए यहाँ पे हम लोग दो नंबर सवाल देखेंगे। दिया गया कि दही शब्द है, दही जो शब्द है वो क्या है, तो क्या है, पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ेंगे, चार नंबर सवाल देख लेते हैं। देखिए कि आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है, किस भाषा यानी कौन से रूप का प्रयोग होता है हिंदी भाषा के। तो चार का क्या हो जाएगा, ए यानी मानक। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला सवाल। और यहाँ पे पाँच नंबर सवाल दिया कि अंग का उच्चारण स्थान होता है, ए इसका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी डी। चलिए यहाँ पे छः नंबर सवाल, भाषा का निर्माण इनके सहयोग से होता है, किनके सहयोग से होता है आपको बतलाने हैं। तो चलिए बतलाइए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। चलिए आगे बढ़ेंगे और सात नंबर सवाल दिया गया कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई थी या हुई है। तो किस धातु की उत्पत्ति से हुई है, तो सात का क्या हो जाएगा यानी सी यानी वास। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे आठ नंबर सवाल। और दिया गया कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आठ नंबर सवाल यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, खड़ी बोली। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है, तो आप जानते ही होंगे हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, वो देवनागरी लिपि है। चलिए आगे बढ़ेंगे, दस नंबर सवाल, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है कितनी है। तो चलिए बतलाइए, यानी बी यानी 18 है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, दिया गया है कि मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है, ये बात आपको बतलाने हैं। चलिए देखिए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 11 का क्या हो जाएगा, ए यानी दैत्विक। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 12 नंबर सवाल यह कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है, किस लिपि में हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि में हुआ है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर सवाल है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है। तो यहाँ पे 13 का देख सकते हैं, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सी यानी अपभ्रंश। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है, यहाँ पे भाषा का अंग कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी डी यानी लेख नहीं है। चलिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल देखते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है, ये सेम सवाल रिपीटेड है, तो क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं, दिया गया कि किस कारक में से विभक्त का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, किस कारक में होता है, तो 16 का क्या हो जाएगा, डी यानी करण कारक में होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग 17 नंबर सवाल दिया गया है कि ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये बात आपको बतलाने हैं। तो 17 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो संबोधन यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 18 नंबर, संस्कृत के अक्रांत शब्द होते हैं, कौन सा शब्द होते हैं, तो 18 का क्या हो जाएगा यानी बी यानी स्त्रीलिंग होते हैं। 19 साकार में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बात बतलाने हैं, तो 19 का क्या हो जाएगा यानी डी यानी स। चलिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल देखते हैं, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, जो चिड़िया होती है उनकी बहुवचन क्या होगा, तो अब सीधे है चिड़िया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल देख लेते हैं, दिया गया कि
बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, यहाँ पे बाबा ने मुकेश को डंडा मारा कौन सा कारक है, तो कर्ता ने होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कर्ता कारक है। चलिए यहाँ पे हम लोग 22 नंबर सवाल देखें, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से जो है पत्ता गिरता है इसमें कौन सा कारक होगा, तो देख लीजिए 22 का क्या हो जाएगा, यानी सी यानी अपादान कारक। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं मरणासन में कौन सा समास है, तो 23 का क्या हो जाएगा, चलिए बतलाइए इसका हो जाएगा सी यानी तत्पुरुष। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला सवाल, और यहाँ पे देख सकते हैं पंचानन में कौन सा समास है, 24 का क्या हो जाएगा, तो बी यानी बहुव्रीही समास। यहाँ पे देख सकते हैं किस शब्द में वृद्धि संधि है, तो 25 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए यानी सदैव। चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वक्त में वह क्या है, तो वह क्या है सर्वनाम है, संज्ञा के बदले आया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे 27 नंबर सवाल दिया गया, घर पर माँ है, घर पर माँ है पर किस कारक का विभक्ति है, ये बतलाना है, तो आपको बतलाने हैं, तो 27 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बी हो जाएगा यानी अधिकरण हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देख लेते हैं, दिया गया कि लड़का दौड़ता है, जो लड़का है वो दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का की संज्ञा का उदाहरण है, किसका उदाहरण है लड़का, तो 28 का क्या हो जाएगा यानी जातिवाचक है बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, और 29 कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बतलाना है इसमें, तो 29 का क्या हो जाएगा यानी डी य है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर जो शो में कौन सा सर्वनाम है, ये बात बतलाने हैं, 30 का क्या हो जाएगा, तो देखिए जो शो में ये जो भी ऑप्शन दिए ए बी सी तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं, दिया गया है कि उसने पढ़ा था इस वाक्य में काल है, कौन सा काल का है ये, तो देख लीजिए क्या होगा भूतकाल यानी भूतकाल का है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और हम लोग देखते हैं 32 नंबर, राम धीरे धीरे पढ़ता है, राम धीरे धीरे पढ़ता है इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे क्या है, तो 32 का क्या हो जाएगा यानी क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता को बतलाने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है, यहाँ पे भेद नहीं है ये बात आपको बतलाना है, विशेषण का जो भेद नहीं होता है, तो 33 का क्या हो जाएगा यानी पुरुषवाचक ये नहीं है, बाकी सब है। यहाँ पे 34 नंबर से उसका कोट पुराना था, उसका एक सेंटेंस है उसका कोट पुराना था, वाक में पुराना है, क्या है पुराना ये बात आपको बतलाना है, तो क्या है विशेषण है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिया गया है कि मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, इस वाक में आप क्या है, तो 35 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ेंगे, 36 नंबर सवाल के पर्यावरण में संधि है, पर्यावरण है जो उसमें संधि क्या है, तो यन संधि है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सन्मार्ग का संधि रूप होगा, 37 का क्या हो जाएगा, तो संधि रूप क्या हो जाएगा सतमार्ग। चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिया गया है कि रामायण का संधि रूप होगा, यानी 38 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो राम यन, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 39 नंबर सवाल है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है, खड़ी बोली तो हम लोग डिस्कस भी किए थे ऐसे सवाल को, तो ये पश्चिमी हिंदी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और 40 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, दिया गया कि रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, तो इस वाक में कर्ता है, कर्ता क्या कौन है ये बतलाना है आपको, तो 40 का क्या हो जाएगा,
सी यानी रमेश ही खुद करता है जो कर्म कर रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग 41 नंबर सवाल देख लेते हैं, दिया कि एक एक में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नवोड्डा का संधि रूप होगा, तो यहाँ पे 42 का क्या हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 43 नंबर तिरस्कार का संधि रूप होगा, यानी 43 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका भी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 का सदाचार में कौन सी संधि है, सदाचार में कौन सी संधि है, तो इसमें है कौन सा संधि, 44 का क्या हो जाएगा, बी यानी व्यंजन संधि है। यहाँ पे हम लोग उज्ज्वल का संधि रूप क्या होगा, 45 का देख सकते हैं, उज्ज्वल का क्या होगा, तो उज्ज्वल यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 46 नंबर देख लेते हैं, दिया गया है कि पंकज में कौन सा समास है, ये बात आपको बतलाने हैं, तो कौन सा समास है, बहुव्रीही समास। चलिए आगे बढ़ेंगे, किस शब्द में यन संधि है, ये बात आपको बतलाने हैं, तो 47 का क्या हो जाएगा, अत्याचार यानी अत्याचार में ही ये। चलिए आगे बढ़ेंगे और 48 नंबर देखते हैं, व्यायाम में कौन सी संधि है, तो 48 का क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर यानी यन। चलिए 49, निसंतान में संधि है, कौन सा संधि है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी यानी विसर्ग संधि। आज का लास्ट यानी 50 नंबर सवाल देखते हैं, निर्मोह का संधि रूप होगा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो सी यानी निजो मो। तो ये थे 50 सवाल, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।